इंडियन मुस्लिम लीगच्या इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण माने हे 7 सप्टेंबर रोजी सोलापुरात येत आहेत. याबाबत अधिक माहिती मुस्लिम लीगचे जिल्हाध्यक्ष अब्दुल्ला डोणगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सोलापूर शहर व जिल्हा की जानिब से आज का पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है. आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि सोलापुर का जो इतिहास रहा है बड़ा ही ज्वलंत रहा है और सोलापुर के इतिहास में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम समाज को न्याय देने के लिए एक आमदार दिया था जिनका नाम मरहूम अब्दुल सत्तार जमादार है और आज बहुत दिनों से मुस्लिम समाज की ये मांग रही कि सोलापुर शहर में मुस्लिम नेतृत्व की जो कमी है वो बड़ा ही खंत की बात है और फिर एक दफा 40 साल के बाद जनता ये चाहती है कि सोलापुर का नेतृत्व मुस्लिम समाज के नेतृत्व के लिए फिर एक दफा मुस्लिम समाज का आमदार चुनकर देने. महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाड़ी के नेता पद्मश्री माजी आमदार लक्ष्मण जी माने साहब हमारे साथ हमारे पार्टी के साथ युति करके आने वाले विधानसभा का चुनाव 7 तारीख को सोलापुर के अंदर ज्वाइंट प्रेस पत्रकार परिषद लेंगे. या पत्रकार परिषदेला सलाउद्दीन शेख, हकीमुद्दीन शेख, इसरार दिंडोरे, शोएब चिक्कळी, निशांत तारानाईक, यासीन शेख यांची उपस्थिती होती.